हेलो फ्रेंड्स, सोजल किचन में मैं अर्शदा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं रसगुल्ले, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और जो सबको ही खाने में पसंद होते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है रसगुल्लों का। ज़्यादातर घरों में खाए जाते हैं, लेकिन रेडीमेड लाए जाते हैं रसगुल्ले। चलो फिर आज घर में ही बना के देखते हैं रसगुल्ले। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। रसगुल्ले का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। रसगुल्लों में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से वजन कम करने के दौरान भी आप रसगुल्ले का सेवन कर सकते हैं, और इससे मसल्स बनाने में भी ये मददगार होते हैं। हड्डी और दांत को भी मजबूत करते हैं और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए इसे फ्राई नहीं करना पड़ता है, साथ में ही बहुत ही कम चीनी के चाशनी में ही ये बन जाते हैं, जिसकी वजह से रसगुल्ले वजन कम करने के दौरान खाए जाते हैं। रसगुल्ले स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्किन में रसगुल्ले खाने से चमक आती है, ग्लो आता है। अब ये मैंने दूध उबालने को रख दिया है। रसगुल्ले में प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकॉन बटन को दबाना न भूलें। साथ में ही रेसिपी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखो, ये पूरा दूध को उबाल आ चुका है। इसको उबालने के लिए रख दिया था। दूध जब गर्म हो जाता है तब इसमें थोड़ा सिरका, एक एक चम्मच सिरका डालते इसको चलाते जाना है। तीन चम्मच डालने के बाद दूध फट ही जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसको फटने में, जल्दी फट जाता है। कोई कोई दूध 2 चम्मच में भी फूट जाता है, इसलिए कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, सिरका कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो, अब यह अच्छी तरह से फूट चुका है, पूरा छेना और पानी अलग हो चुका है। देखो, ये छेना अलग हो चुका है, अच्छी तरह से छेना आया है इसको। अब इसको छलनी में से छान लेते हैं, ठंडे पानी से इसको धो लेते हैं, ताकि इसमें जो छिरके का खट्टापन होता है वो निकल जाता है। और इसको छानने में कॉटन का कपड़ा रख के उससे भी छान लेते हैं, और पानी थोड़ा पूरा निकल जाने के लिए इस पे ढक के इसमें वेट रख देते हैं। देखो, ये पूरा छेना मैंने कॉटन में निकाल लिया है। थोड़ा सा इसको दबा के इसको कपड़े से ढक देना है अभी। बहुत टेस्टी और बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर बनाओ आप और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ आपकी रेसिपी कैसी बनी है। देखो, अब मैंने इस पे डिश रख के ये वेट रख दिया है, ताकि इसमें का पानी निकल जाए। अब इधर चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास शक्कर ली है। 1 गिलास शक्कर के लिए 1 गिलास पानी लेना है, और एक ही उबाल आने के बाद इसमें रसगुल्ले छोड़ने हैं, ताकि बाकी के उबाल में रसगुल्ले अच्छी तरह से बन जाते हैं। फिर देखो, ये मैंने छेना पूरा बारीक कर लिया मिक्सर में से। इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। छेना ऐसा बनाना है कि हाथ को चिपक ना जाए, थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाता है। देखो, अब ये पूरे बॉल्स बन चुके हैं। देखो, ऐसे सब बॉल्स मैंने बना लिए हैं अभी। देखो, कितने बढ़िया और मस्त रसगुल्ले लग रहे हैं ये। बहुत वाइट और मस्त कलर आया है इसको, देख के ही खाने का मन करता है। अब इसको उबलते चाशनी में छोड़ देना है। जब तक ये फूलते हैं तब तक इसको उबालना है।
पूरे फूले हुए नजर आते हैं रसगुल्ले। देखो अब ये पूरे मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखो अब ये फूल चुके हैं, यानी रसगुल्लों में पूरी चाशनी अंदर गई है बराबर। ऊपर से इसमें इलायची पाउडर डाल देना है। बहुत रसीला और लजीजदार रसगुल्ला तैयार है, बहुत लाजवाब है ये। देखो मेरा रसगुल्ले का पूरा डिश तैयार है। चलो फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।